तो चलिए आज फिर वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ बनाते हैं। तो आपने देखा ही है स्टार्टिंग में कि कितना प्यारा DIY था। तो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती होंगी कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है जो कि बिस्किट का है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने थ्रेड का रोल ले लिया है जो कि ट्यूब है, पेपर ट्यूब है। तो ये हम लोग अधिकतर वेस्ट रहता है तो इसे फेंक ही देते हैं ज़्यादातर लोग। तो यहाँ पर मैंने इसी का यूज़ करके इसको डेकोरेट किया है। तो सबसे पहले मैंने ग्लू गन की हेल्प से पूरे कंटेनर को इससे कवर कर दिया है। तो इसको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो ये इकट्ठा हो गया है। मैंने मांग कर तो इसको इकट्ठा किया, क्योंकि मैं तो सिलाई वगैरह करती नहीं हूँ, तो मेरी जिठानी करती है, तो मैंने उन्हीं से मांग कर इकट्ठा किया है। तो ये इकट्ठा करने के बाद मैंने इसको बनाया है, बहुत ही प्यारा बन गया था, आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में। तो इसको पूरा कवर कर लेंगे। हाँ, ये कवर तो हो गया है ट्यूब से, पर इसे स्टडी बनाने के लिए इसमें और भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में रैंडमली तोड़ लिया है, मतलब फाड़ लिया है। और उसके बाद मैंने फेविकोल और पानी का 2:2 का रेशियो लेकर मैंने इसमें घोल बना लिया है, और उसी से मैं स्टिक कर दूंगी पूरे मतलब ट्यूब को बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसमें टिश्यू पेपर को 2 से 3 लेयर लगाना है जिससे कि ये अच्छे से स्टर्डी हो जाए और अच्छे से फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर सबसे मेन काम यही है, और इसको अच्छे से सूखने देंगे टिश्यू पेपर को लगाने के बाद। देन इस पर आप अप्लाई करिए कलर। कलर आपके मनचाहा होना चाहिए, आपको जो भी पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिंक का शेड लिया है, 2 शेड में मैंने इसको किया है, आधा शेड लाइट रखा है और आधा उससे डार्क रखा है। और कलर जो बनाया है उसमें मैंने गोल्डन का डस्ट भी मतलब मिलाया था, जो कि एक्रेलिक का ही है, गोल्डन डस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसको मैंने ऐड कर लिया था, जिससे कि वो शाइनी लग रहा था थोड़ा। तो यहाँ पर पेंटिंग का काम तो मेरी बेटी ने किया था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है पेंटिंग में। अगर आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड है पेंटिंग में तो उन्हें भी ये सब काम करने के लिए दीजिए, और उनको भी मतलब आदत हो जाएगी कैसे रीयूज़ किया जाए वेस्ट चीज़ों का। तो यहाँ पर मेरी बेटी को पेंटिंग करने का शौक़ है, तो मैंने उसको पेंट करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर उसने दोनों पिंक शेड उसने ही किया था, फिर उसके बाद मेरा काम था तो उसको मैंने किया था। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने ट्यूब पर जो कलर करना था वो तो डन कर दिया, पर अब अंदर से कंटेनर बहुत ही बेकार लग रहा था तो उसको भी कलर करना था। तो अंदर मैंने स्प्रे पेंट का यूज़ किया है गोल्डन कलर का, और साइड में भी मैंने गोल्डन का बट इंडिगो का ये कलर किया था ब्रश के थ्रू, क्योंकि बाहर अगर स्प्रे करती तो ये मेरा ट्यूब ख़राब हो जाता, तो अंदर के साइड ही मैंने स्प्रे किया था। या फिर आप पहले ही कर लो तो बाद में ट्यूब लगाओ तो ज़्यादा सही है, पर मेरा तो हो गया था काम ऐसे ही। फ़िलहाल मैंने अंदर स्प्रे पेंट गोल्डन का यूज़ किया था और बाहर इनेमल का गोल्डन पेंट किया था।
तो चलिए पेंटिंग का काम तो डन हो गया है, अब आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिकर ले लिया है बीड्स वाला, तो इसे मैं स्टिक कर लूँगी। एक ट्यूब छोड़कर सेकंड ट्यूब पर लगाऊँगी ये पर्ल वाला स्टिकर, और उसके बीच में मैंने मिरर का यूज़ किया है जिसको मैं फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी मेरी बेटी ने हेल्प किया है काफ़ी, क्योंकि जो पर्ल वाले स्टिकर्स रहते हैं वो तो मतलब जुड़े जुड़े रहते हैं, उसको कट करके निकाल के देना था, तो मेरी बेटी दे रही थी और मिरर भी मतलब ढूंढ ढूंढ के दे रही थी, क्योंकि एक साइज़ के थे नहीं, कई साइज़ के थे, मिक्स थे, तो उसको अलग अलग से निकालना भी था, तो उसमें भी मेरी बेटी ने बहुत हेल्प किया। तो बच्चे ये सब आप जब करते हो, DIY करते हैं, तो बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं ये सब कामों में, तो उन्हें भी मज़ा आता है और वो भी आपको देख देख कर सीखते हैं कि इसको कैसे, किसी चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है वेस्ट चीज़ों का। तो यहाँ पर देखिए मैं मिरर और पर्ल स्टिकर को स्टिक कर रही हूँ। तो पूरा स्टिक करने के बाद सेंटर में कुछ ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ और करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेपर को सर्कल में कट किया था और उसमें मिरर को, 5 मिरर यहाँ पर मैंने लिया था, उसको स्टिक कर दिया था अच्छे से फ्लावर का डिज़ाइन में। तो बस यहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे जिससे कि और अच्छा लुक आए और एक सेंटर पोर्शन भी आ जाए उसमें। तो ये देखिए इसको बहुत ही अच्छे से स्टिक कर लूँगी। ये पेपर को इसलिए यूज़ किया क्योंकि डायरेक्ट अगर उस पर स्टिक करती तो स्टिक नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं बेस एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो इसलिए मैंने पेपर की हेल्प लेकर इसको स्टिक किया है। पहले पेपर पे स्टिक कर लिया है, देन उसके बाद ये जब अच्छे से सूख गया था तो उसको मैंने उस पर स्टिक कर दिया था। तो आपको ये DIY कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस करने के बाद ही नोटिफिकेशन मिलती है आपको वीडियो की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।